हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक टू रूम का हाउस वायरिंग का कनेक्शन है। ये देखिए, वन और टू दोनों रूम है। यहाँ से हमारा ऊपर वाली न्यू मीटर बॉक्स है, ये हमारा है m.cb वन, ये दोनों m.cb दोनों रूम के लिए। ये देखिए टू बल्ब, ये देखिए टू बल्ब, वन फैन, वन फाइव इंच सॉकेट, फोर स्विच। यहाँ से टू रूम के टू बल्ब, वन फैन, वन फाइव इंच सॉकेट, फोर स्विच है। देखिए ये हमारा है फेज वायर और न्यूट्रल वायर, दोनों वायर है। यहाँ से देखिए, यहाँ से हमारा है फेज वायर। फेज वायर को हम मीटर के फोर पॉइंट होता है, दोनों इनपुट दोनों आउटपुट। यहाँ से हम फेज वायर को मीटर का नीचे वाले दोनों इनपुट पे फेज को इन कर दूंगा, फेज और न्यूट्रल दोनों वायर को इन कर दूंगा। यहाँ से देखिए फर्स्ट वाले पॉइंट पे हम फेज वायर को इन कर चुका हूँ। देखिए बाकी रहा हमारा न्यूट्रल वायर, हम न्यूट्रल वायर को सीधा करा के हमारा मीटर के नीचे वाले पॉइंट पे इनपुट पे जोड़ चुका हूँ। देखिए ये जो न्यूट्रल दोनों इन कर चुका है मीटर पर। ये देखिए राइट साइड पे जो दोनों पॉइंट है, यहाँ से हमारा फेज और दोनों वायर आउट करके। देखिए ये हमारा है फेज वायर को हम आउटसाइड पे आउट कर चुका हूँ। बाकी हुआ हमारा है न्यूट्रल वायर, न्यूट्रल वायर को हम ये जो फेज और न्यूट्रल दोनों वायर है, यहाँ से हम m.cb के नीचे वाले दोनों टर्मिनल इन कर दो। यहाँ से देखिए दोनों पॉइंट है फेज और न्यूट्रल के लिए। देखिए नीचे वाले पॉइंट पे इन कर गया। यहाँ से देखिए दोनों आउट, ऊपर वाले दोनों पॉइंट पे आउट करेगा। यहाँ से देखिए, यहाँ से हमारा फेज वायर आउट करके सीधा हमारे दोनों m.cb के पास आ गया। ये जो दोनों m.cb दोनों रूम के लिए। देखिए ये हमारा फेज वायर यहाँ से कनेक्ट हो गया है, वन और टू। यहाँ से एक लूप करके यहाँ ये m.cb के साथ कनेक्शन कर दूंगा। देखिए दोनों m.cb के साथ कनेक्ट हो गया हमारा फेज वायर। यहाँ से हमारा फेज वायर आउट हो गया, यहाँ से हमारा फेज वायर दोनों m.cb के इन करके यहाँ से दोनों पॉइंट पे आउट करके ये जो फास्ट m.cb के आउट करके ये जो हमारा फेज वायर फास्ट m.cb के आउट करेगा हमारा फर्स्ट रूम के लिए आ जाता। ये जो सेकंड वाली सेकंड रूम के लिए फेज आ जाता, न्यूट्रल हमारा सीधा हमारा यहाँ से न्यूट्रल आ गया। ये हमारा फेज वायर दोनों वायर दोनों रूम के लिए फेज वायर हमारा आ गया। यहाँ से देखिए एक दोनों फेज हमारा आ गया रूम पे। तो फेज आ गया। यहाँ से देखिए हमारा है न्यूट्रल वगैरह जो बाकी था, यहाँ से हम न्यूट्रल वायर को हमारा दोनों रूम के लिए लेक कर जाता हूँ।
लास्ट रूम के वायरिंग टेस्ट करूँगा। जैसे देखिए हमारा जो फेज वायर सीधा हमारा स्विच बोर्ड के स्विच के फोर स्विच पे कनेक्ट होगा नीचे वाली लीटर पॉइंट पे। देखिए हमारा फेज वायर ऐसे स्विच पे इन करेगा, ऐसे देखिए फोर पॉइंट पे कनेक्शन होगा। ये जो स्विच है फाइव पिन सर्किट के पास जो स्विच है यहाँ स्विच है, ये स्विच को ऑन कर गया तो यहाँ से हमारा फाइव पिन सर्किट ऑन होगा। देखिए यहाँ से जो ऊपर वाली पॉइंट पे हम सीधा सर्किट के पास एक पॉइंट दे दूंगा। देखिए ये जो बाकी रहा तीन थ्री स्विच है, ये जो थ्री स्विच है टू बॉल के लिए और वन फैन के लिए। देखिए ये हमारा है फेज वायर बॉल के पास मिल गया, यहाँ से हम फैन के पास फेज वायर दे दूंगा। यहाँ से देखिए ये जो स्विच है फैन के पास भी हमारा फेज वायर चले गया। यहाँ से देखिए हमारा जो बॉल यहाँ बॉल को हमारा फेज भी मिल गया। देखिए हमारा रूम के सभी हमारा न्यू फेज मिल गया। यहाँ से देखिए m.cb सेकंड रूम के हम फेज दे दूंगा। यहाँ से हम फेज वायर सीधा हमारा स्विच के फोर स्विच पे नीचे वाली टर्मिनल के कनेक्ट होगा। देखिए वन टू थ्री और फोर, देखिए नीचे वाली टर्मिनल के फोर स्विच पे कनेक्ट हो गया। देखिए जो ऊपर वाली पॉइंट पे हमारा सीधा टू बल्ब के लिए वन के फैन के लिए और हमारा फाइव पिन सर्किट के लिए हमारा स्विच जो ऑन करेगा हमारा फाइव पिन सर्किट ऑन होगा। देखिए और एक फेज हमारा फाइव पिन सर्किट को मिल गया। यहाँ से देखिए ये जो स्विच है यह स्विच को हमारा लाइट के लिए हमारा बल्ब के लिए। देखिए ये जो बल्ब पे हमारा फेज मिल गया। देखिए ये जो स्विच मारेगा तो हमारा बल्ब ऑन होगा। ये जो स्विच है हमारा फैन के लिए। देखिए ये जो स्विच मारेगा तो हमारा फैन ऑन होगा। देखिए यहाँ से हमारा फैन को भी फेज मिल गया। देखिए बाकी हुआ और एक बल्ब, ये जो बल्ब है ये स्विच पे कनेक्ट होगा। देखिए हमारा बल्ब को भी फेज मिल गया। देखिए टू रूम को हमारा दोनों रूम को हमारा फेज मिल गया। हमारा फर्स्ट वाली का रूम, देखिए फर्स्ट वाला रूम, ये हमारा सेकंड वाला रूम फेज दोनों m.cb। देखिए हमारा फेज वायर कंप्लीट हो गया। ये हमारा न्यूट्रल वायर यहाँ से न्यूट्रल वायर सीधा यहाँ से सर्किट को हमारा फैन सर्किट को हमारा न्यूट्रल मिल गया। देखिए बाकी रहा हमारा फैन और दोनों बल्ब। देखिए यहाँ से न्यूट्रल को और लूप करके यहाँ से हमारा बल्ब के पास न्यूट्रल दे दूंगा। देखिए हमारा बल्ब के पास न्यूट्रल मिल गया। बाकी रहा हमारा वन फैन वन और से बल्ब। देखिए यहाँ से और एक लूप करके हमारा फैन के पास न्यूट्रल दे दूंगा। यहाँ से देखिए बल्ब के पास लूप करके फैन के पास आ गया। फैन के पास और फर्स्ट रूम का वायरिंग कंप्लीट हो गया। यहाँ से देखिए हमारा न्यूट्रल दूसरे वाला रूम के फर्स्ट रूम का वायरिंग कंप्लीट हो गया। ये देखिए हमारे सेकंड वाले रूम के न्यूट्रल सप्लाई दे दूंगा। यहाँ से देखिए और एक वायर को लूप करके हमारा दोनों बल्ब और एक फैन के न्यूट्रल दे दूंगा। देखिए यहाँ से न्यूट्रल को लूप करके यहाँ से दोनों बल्ब और एक फैन के पास न्यूट्रल मिल गया। देखिए बाकी हुआ हमारा है फाइव पिन सर्किट। देखिए यहाँ से और
एक लूप करके न्यूट्रल को हमारा हाइफिन सर्किट के पास न्यूट्रल भी पहुंच चुका है। देखिए हमारा वायरिंग कंप्लीट हो गया, दोनों रूम के वायरिंग।